पंपकिन का सूप बनाएंगे, लेकिन रोस्टेड पंपकिन, रोस्टेड अनियन एंड गार्लिक सूप। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी की हुई है। पंपकिन को छीला हुआ है और उसके साथ उसको पतला पतला काटा हुआ है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा तेल डालकर ये जो पंपकिन है इसे रोस्ट करते हैं, और पॉट रोस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या, तेल लिया, इस पे डाला नमक और इसे तेज आंच पर पकने देते हैं, एक तरफ से ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा आना शुरू हो जाए। अच्छा, यहां पर मेरे पास लहसुन है। लहसुन को मैंने क्या किया हुआ है, एक्चुअली अवन में इसको रख कर रोस्ट करें बहुत बढ़िया होता है, लेकिन आजकल समय नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया है, इसे मैंने माइक्रोवेव के अंदर करीब एक मिनट तक, करीब पहले 20 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, ताकि ऐसा ना हो कि माइक्रोवेव के अंदर फट ना जाए। तो इसे मैंने पकाया है। इसी तरह से प्याज को भी ये देखिए सॉफ्ट कर लिया है, अवन के अंदर पकाया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना पक चुका है। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसे रोस्ट करना है। तो एक मैंने इसे पका तो लिया है, रोस्टिंग के लिए मैंने एक पैन में हल्का सा तेल डाला है, और ये लीजिए इसे जिस तरह से इसे हम रोस्ट कर रहे हैं इसी तरह से इसे भी रोस्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये लाल होना शुरू हो गया है, इसे पलट देते हैं हम। और ये जो सूप है इसकी खासियत ये है कि ये हल्का सा बर्न्ड टेस्ट इसके अंदर आएगा, इसे पकने देते हैं। और ये जो प्याज और लहसुन है ये भी, लहसुन को काफ़ी सॉफ्ट कर लिया है। अच्छा, इस तरह से लहसुन को पकाने से, प्याज को पकाने से उसकी जो पंजेंसी है वो कम हो जाती है। इसमें जो लहसुन हमें ज़्यादा डाल रहे हैं, प्याज ज़्यादा डाल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो पंजेंसी है वो कम की जाए। पकने से वो कम हो जाती है, उसमें स्वीटनेस आ जाती है। जी हाँ, प्याज पकने के बाद थोड़ा मीठा हो जाता है, और इसी तरह से लहसुन है। जब भी अगर आपको लहसुन का ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप लहसुन को कम पकाएं, दिया लास्ट में डालें। ये पहले किसी ने नहीं आपको बताया होगा। अब ये जो गार्लिक है ये देखिए, अब ये गार्लिक, इसके अंदर गार्लिक जो है निकाल लेते हैं। बस इसको उल्टा करके ऐसे दबा दिया, और ये इसका छिलका निकल गया। अच्छा, जो प्याज है उसका क्या हाल है भाई, प्याज भी जैसे हम लहसुन को कर रहे हैं प्याज को भी वैसे ही करेंगे। ये जो प्याज है ये देखिए, बस इसमें से ये छिलका निकाला, और ये प्याज जो है इसके अंदर, ये प्याज लिया, काटा, बस छिलका निकाला, और ये रोस्टेड प्याज इसके अंदर। अब देखते हैं, हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूं मैं, ये लीजिए पानी डालकर ये थोड़ा सा कुक कर लिया हमने। तो अब इसे बंद कर देते हैं, और इसे हमने पीसना है, ठंडा करके पीसे। इसमें सिर्फ नमक डाला है, कुछ और ना डालें आप प्लीज इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर पानी, वही रोल, पानी ठंडा डालें। ये पीस लिया हमने, और अब इसे ये देखिए कितना अच्छा रंग, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी। और यदि आप चाहें इसको थोड़ा सा और क्रीमी करना तो इसमें ये फ्रेश क्रीम थोड़ी सी, वाह,
नहीं, इसमें से थोड़ी पी सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सूप होना चाहिए पाइपिंग हॉट और गर्म होगा, फिर मैं पीऊंगा, आप खुद बना के पिए। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका इंग्रीडियंट। रोस्टेड अनियन गार्लिक एंड पम्पकिन सूप के लिए मैं चाहिए 2 प्याज 2 लहसुन, 750 ग्राम भोपला स्लाइस किया हुआ, 3 बड़े चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार और आधा कप फ्रेश क्रीम। इस सूप को बनाने के लिए एक पैन में 1.5 चम्मच तेल गर्म करके इसमें भोपला और थोड़ा नमक डालकर भून लें। प्याज और लहसुन को माइक्रोवेव में हाई पर करीब 1 मिनट तक पकाएं और फिर बचा तेल लेकर पैन में गर्म करें और प्याज और लहसुन को भी भून लें। अब लहसुन का छिलका निकालकर इसे भोपले में डालें, प्याज का भी छिलका उतार कर इसे काटें और पम्पकिन में डालें और इसमें आधा कप पानी डालकर ढककर मध्यम आंच पर या पम्पकिन गलने तक पका लें। अब इसे मिक्सी में डालकर पीसें और इसकी प्यूरी बना लें। तैयार प्यूरी को एक पैन में डालकर गर्म करें और इसमें नमक डालकर मिलाएं, चाहे तो इसमें क्रीम डालकर मिक्स करें और गर्मा गर्म परोसें।